नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज के इस सेशन में हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस करेंगे कुछ एमसीक्यूज की, जो कि वीडियो भर्ती 2018 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने बताया था कि हम लगातार ये जो 12 दिन बचे हैं इसमें एक एक करके लाते रहेंगे ये एमसीक्यूज, तो इसीलिए चलिए शुरू करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, ये सबसे पहला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक दो बार पूछा गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप लोगों को आता है तो आप लोग चेक करते रहिए कि क्या आपको आता है क्या नहीं आता है, फिर लास्ट में हमें कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, और जो नहीं आते उनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सा पठार भारत का खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। देश का दिल, ये गलत लिख उठा है, देश का दिल जाना जाता होगा। ठीक है, तो ये है छोटा नागपुर का पठार। जी हाँ, छोटा नागपुर का पठार ऐसा इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे खनिज बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है, झारखंड रीजन खासतौर से और छत्तीसगढ़ का कुछ रीजन इसी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र तल से की गहराइयों से निकाला जाता है, समुद्र तल से निकाला जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ब्रोमीन, सही आंसर है ब्रोमीन। अगला प्रश्न लेते हैं, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है, मतलब जो पश्चिमी विक्षोभ है भारत में वो उसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है जिसके कारण ठंड में बारिश होती है, तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागर। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है, तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मुंबई मुख्य रूप से जाना जाता है। वैसे अगर यहाँ पर गुजरात होता तो आप गुजरात भी लगा सकते थे, बट उस कंडीशन में महाराष्ट्र ना देता, अगर वो दो है तो आप गुजरात लगाना। टेलीफोन नेटवर्क के तारों का डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने की प्रौद्योगिकी को कहते हैं, टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा जैसे BSNL प्रोवाइड कराता है तो इसको क्या कहते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, आंसर डी सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जी हाँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा साहब अंबेडकर द्वारा ये इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला गया था, किस अनुच्छेद को आप हमें लिख के बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसके अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, फंडामेंटल राइट्स। अगला प्रश्न लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान कितने हजार का लोन ले सकता है, ये हमें कमेंट में लिख के बताइए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं बार बार, ऐसा नहीं कि कहीं अलग से पूछ लेता है, क्वेश्चन यहीं से उठाता है, बस एरिया यही रहेगा क्वेश्चन बदल देगा, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए किसान क्रेडिट कार्ड में कितना लोन इस समय मिल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। खैर इस समय इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे 9899, ठीक में इसकी शुरुआत हुई किसान क्रेडिट कार्ड की। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं, तो इसका आंसर होगा पहला सही, टोटल ये 6 भाषाएं हैं, कई बार सिर्फ इतना ही पूछ सकता है कितनी भाषाएं हैं, तो सिर्फ 6 याद रखिए, इनको अगर आप रट सकते हैं तो बहुत अच्छा, रट लेंगे तो इसे फायदा रख, कई बार एलिमिनेशन में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इनमें से कौन सी भाषाएं नहीं है, आधिकारिक भाषा नहीं है, तो ये आप लगा सकते हो अगर आपको ये पता है तो। अगला प्रश्न लेते हैं, राज बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग जिसे इंडिया इंडिपेंडेंस लीग भी बोला जाता है इंग्लिश में, तो ये किस संगठन का एक अग्रदूत था, ये संगठन तो ये है भारतीय राष्ट्रीय फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज जो बाद में बना। निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो तीनों गोल में सम्मेलनों में था, तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है कृषि क्षेत्र, क्योंकि एग्रीकल्चर पे ही भारत के 60-70% पॉपुलेशन डिपेंड करती है। अगला देख लेते हैं, इकोनॉमिक सर्वे ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इकोनॉमिक सर्वे प्रकाशित किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा, राज्यसभा में कितने मेंबर प्रेसिडेंट हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं कितने मेंबर्स को भेज सकते हैं, तो ये इसका आंसर सही है 12 सी।
अगला प्रश्न लेते हैं, अशोक के नाम से शिलालेख, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। अशोक के ज्यादातर शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन एक ऐसी लिपि है जिसमें नहीं की, एक ऐसी जगह शिलालेख है जिसपे प्रयोग नहीं किया गया ब्राह्मी लिपि का, वो है शाहबाज गढ़ी में, गढ़ी है लिखा हुआ है, गढ़ी है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। दोस्तों कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये इनमें से कौन सा शिलालेख है जो कि पाकिस्तान में है या इंडिया में नहीं है, तो ये पाकिस्तान में। ठीक, अगला देख लेते हैं हम, हंटर आयोग ने किसके विकास पर बल दिया। तो हंटर आयोग ने प्राइमरी एजुकेशन पर बल दिया था। ठीक, अगला प्रश्न ले लेते हैं, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है, और इसका सही आंसर है संस्कृत। आप हमें ये बताइए कि ये जो विशाख दत्त थे किसके दरबारी थे, किसके दरबारी थे, कमेंट में लिख के बताइए किसके दरबारी थे। क्वेश्चन या ऐसे ही पूछेगा, बस यहीं से उठा लेगा कि विशाख दत्त किसके दरबारी थे। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है, तो यह है प्रकाश के प्रकीर्णन यानी प्रकाश का बिखरना। कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको दिया था, हमारे कंट्री के वैज्ञानिक थे रमन, और इनको नोबेल प्राइज कब मिला, 1930 या 1935 या 1940, इन तीन में से कोई एक आंसर दीजिए मुझे, कमेंट में लिख के बताइए। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो सर्वोत्तम चालक इसमें से कौन सा होगा, सी वाटर, समुद्री जल। क्यों होगा ये भी मैं बता दूं, क्योंकि इसमें साल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, समुद्र में डिफरेंट टाइप की इंप्योरिटीज भी रहती हैं काफी, और साल्ट कंटेंट भी ज्यादा रहता है, तो इसलिए कंडक्टिविटी अच्छी खासी रहेगी। अगला प्रश्न लेते हैं, खाना पकाने के में 90% से अधिक रहता है, खाना पकाने के लिए जो सिलेंडर आप लेके आते हो उसमें कौन सी गैस रहती है, 90% तक रहती है ब्यूटेन। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, निक्टलोपिया, ये याद कर लो, वर्ड बहुत कठिन है, निक्टलोपिया अक्सर भूल जाते हैं, रतौंधी कई बार ना पूछा, निक्टलोपिया पूछ लिया तो आप खाली छोड़ के चले आओगे, इसलिए ये याद कर लो। ठीक है, रतौंधी में कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल, इसको इसकी कमी से होता है, मतलब किस विटामिन की कमी से, तो ये विटामिन ए। विटामिन ए किस में पाया जाता है, साग पालक सब्जियां, हरी सब्जियां जितनी भी, उन सभी में पाया जाता है। अगला देख लेते हैं, अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है, और इसका सही आंसर है ब्रेन, मस्तिष्क से संबंधित है। अल्जाइमर रोग की खासियत होती है कि जिस व्यक्ति को ये होता है उसको भूलने की बीमारी बहुत होती है, भूलने की बीमारी अक्सर हो जाती है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये मस्तिष्क से रिलेटेड है, ऐसे थोड़ा रिलेट कर लीजिए। अगला प्रश्न लेते हैं, रक्त का पीएच क्या होता है, तो रक्त का पीएच 7.4। पेंसिल की लिड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है, मतलब किसका इस्तेमाल किया जाता है पेंसिल की लीड बनाने में। अब ऐसे पेंसिल होती है, यहाँ पर लीड होती है, तो ये किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। लेकिन दोस्तों इसमें ट्रिकी चीज क्या करते हैं, ये लोग चारकोल हटा देंगे, यहाँ कुछ और डाल देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कार्बन। अब यहाँ कार्बन लिख देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार मैंने तो ग्रेफाइट पढ़ा था, तो याद रखो कार्बन, ये ग्रेफाइट जो है ये कार्बन है, इसी को सही लगाना, कार्बन भी कई बार पूछा गया है ऐसा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगला देख लेते हैं, हीरा और ग्रेफाइट में समान है तो क्या चीज है, इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया है। रक्त कैंसर को कहा जाता है, ये क्या है, ल्यूकेमिया कहते हैं, ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं, ल्यूकेमिया भी बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न लेते हैं, जब जल जमता है इसका घनत्व क्या होता है, इसका घनत्व जो होता है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो घट जाती है, तो डिक्रीज। बार किसकी इकाई है, बार इकाई होती है वायुमंडलीय दाब की। चौकड़ी भूल जाना हिंदी का ये इधर प्रश्न है कुछ, तो चौकड़ी भूल जाने का मतलब क्या होता है, रहना सूझना, ये तो आप लोगों ने काफी यूज भी किया होगा। साकेत महाकाव्य, इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त कहाँ के रहने वाले थे, किस स्टेट के, और इनको कौन से सम्मान मिले, ये आप जरूर याद कर लें। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है, तो इसका सही आंसर है, कमेंट में लिख के आप बता सकते हैं, निश्चयवाचक। अनुमान का विशेषण है,
विशेषण, अनुमान का विशेषण है क्या? अनुमानित। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1872। कुछ लोग 1881 समझ रहे होंगे, ऐसा लगा के आते हैं कई बार। 1881 में ऑफिशियली जनगणना शुरू हुई थी, लेकिन 1872 में ट्रायल रूप में हुआ था। तो जब भी आपसे पूछे कि भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो आप 1872 लगाना। जब आपसे ये पूछे कि ऑफिशियली जनगणना, आधिकारिक रूप से जनगणना शुरू की गई, तो आप 1881 लगाना। ये जो शुरू हुआ था, ये मेयो के काल में हुआ था, लॉर्ड मेयो उस समय जो भारत का गवर्नर था। और ये 1881 उस समय रिपन था, रिपन, लॉर्ड रिपन। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। फर्स्ट टेली कम्युनिकेशन डिवाइस वॉज, पहला दूरसंचार उपकरण ये था टेलीग्राफ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है, मतलब सबसे ज्यादा लार्जर पोर्शन जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है, वो नाइट्रोजन। कितने परसेंट है लिख के बताइए, ऑर्गन भी पता होना चाहिए, ऑक्सीजन भी। आजकल ऑर्गन पूछने लगता है कि ऑर्गन का बताओ, या कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ लेता है, इस गैस का पूछ लेता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन गैसेस के कितने कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो इसको आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। आईपी जो कंप्यूटर में यूज करते हैं, जिनके द्वारा डिटेक्ट करते हैं कि आप की लोकेशन क्या है कंप्यूटर की, और आप किस कंप्यूटर आईडी से काम करें, आईपी। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। बी अगला लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? इसका सही आंसर है संसद, जहां हमारे माननीय सांसद लोग बैठते हैं। ठीक है, किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है? तो यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, एमएसपी जिसे बोलते हैं, एमएसपी। कितनी फसलों पे दिया जाता है, 23, 24 या 28? ऑप्शन बताइए, लिख के बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप, इनमें से रबी क्रॉप कौन सी है? तो इसको आप देख के बड़ी आसानी से बता सकते हैं, मस्टर्ड, सरसों के, ये ठंड में ही होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट मैक्सिमम जूट मटेरियल, जूट का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट, विदेशों में भेजता कौन है सबसे ज्यादा? तो ये है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जूट का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है। आपको इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब बांग्लादेश अलग हुआ भारत से, तो इसके कारण हमारे जूट इंडस्ट्री को काफी लॉस हुआ। इस समय बांग्लादेश वर्ल्ड में टॉप पर है, ठीक है, और इंडिया में खैर अपना ये वेस्ट बंगाल है। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, ये आपको पता ही होगा, इसका आंसर है विनोबा भावे। कहां से शुरू किया था, किस स्टेट से? आंध्रा, आंध्रा से शुरू किया था। किस जगह से शुरू किया था, ये आप मुझे लिख के बताइए। आगा खान गोल्ड कप एसोसिएटेड विद विच गेम्स, किस खेल से ये एसोसिएटेड है आगा खान गोल्ड कप? तो ये है फुटबॉल से। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? काली मिट्टी, ये गुजरात में। ये किसके लिए है? कपास के लिए बहुत फेमस है, कपास और मूंगफली हेतु, ठीक, मूंगफली के लिए बहुत सही है। अगला देख लेते हैं। शुद्ध पानी का पीएच कितना होता है? 7 के तकरीबन होता है, ठीक है। नींबू में एसिड पाया जाता है कौन सा? इसका सही आंसर क्या होगा? नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। और लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? ये दूध दही इत्यादि में पाया जाता है, ठीक, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। टार्ट्रिक एसिड आपका नींबू, उसमें अंगूर में पाया जाता है, आंवले में भी पाया जाता है। और मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। नहीं आएगा तो मैं लिख के फिर बताऊंगा आपको, कमेंट में बताऊंगा। निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है, इसका सही आंसर है कॉनकेव। जो निकट दृष्टि दोष जिनमें होता है, उनको दूर की चीजें साफ नहीं दिखती हैं। स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इनमें से कौन सी धातु मिलाई जाती है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है क्रोमियम। क्रोमियम को मिला के स्टील को जंग रोधी बना देते हैं, जंग की समस्या नहीं होती। अगला प्रश्न लेते हैं। ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? ट्रैकोमा द्वारा आंखें खराब होती हैं। अभी भारत को ट्रैकोमा मुक्त किया गया है,
दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर है लैक्टोमीटर। MCQs जिनको आप एक दो बार देखिए और प्रिपेयर करिए अच्छे से। इसी तरीके से हम अगला जो टेस्ट सीरीज है वो भी लाएंगे, कल लॉन्च डालेंगे, और बैक टू बैक हम 12 दिनों तक एक के बाद एक इस तरीके से MCQs लाते रहेंगे, जिससे आप नो डाउट पढ़ते रहिए, बट पढ़ने के साथ साथ 5-10 मिनट अगर आप इधर देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका डायरेक्शन सही है या नहीं पढ़ाई का। तो इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि जो अगला वीडियो डालें वो भी आप तक पहुंच जाए। और बेल को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अक्सर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता जिसके कारण आप देख नहीं पाते। ठीक है, तो फिर चलते हैं, धन्यवाद।